आपको जयपुर लेकर चलते हैं, सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। एक एयरपोर्ट बन गई विभाग की, उसको ठेकेदार ने अपनाया है, विभाग पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। यही कारण है कि अधिकांश जगह पर सड़कों की क्वालिटी अच्छी बन गई, कहीं कहीं शिकायत आ सकती है, पर फिर भी क्योंकि ट्रांसपोर्ट हैवी ट्रांसपोर्ट चलते रहते हैं कई सड़कों पर, मैं गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, बरसात के अंदर चाहे गाँव की सड़क हो चाहे वो शहर की सड़क हो, टूटना स्वाभाविक है, काम रुक भी जाते हैं, नई सड़कें बन नहीं सकती है। पर जिस एफिशिएंसी से अभी मंत्री जी कह रहे थे, पहली बार मैंने सुना कि जो बजट घोषणाएं हुई है, घोषणाएं नहीं हुई है किसी विभाग की, हमारे एमएलए हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं कि पहली बार जिस रूप में फाइनेंस डिपार्टमेंट भी स्वीकृति जारी करवा रहा है, पहली बार काम चाहे किसी विभाग के हो काम चालू हो गया हमारा, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात भी क्यों नहीं हो, तहसील बनने की बात हो, हर काम हर विभाग का कोई काम अटकता नहीं है और स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं, इसी का इम्पैक्ट रहता है देखने को मिल रहा है। इतने में कहना चाहूँगा कि ठेकेदारों की पहले स्ट्राइक हो गई, उसको भी समझ की गई, ठेकेदारों का अपना एक भूमिका होती बहुत बड़ी, कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कुछ कारण हो जाते हैं, तो मुझे खुशी है कि वो लोग भी आगे बढ़ करके एक काम में भागीदार निभा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बरसात खत्म होते ही आज जो शिलान्यास हो रहे हैं उन कामों को वो आगे बढ़ाने में तत्परता दिखाएंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे, जिससे कि समय पर गांव वालों को सड़क बनने का लाभ मिल सके। पहले बहुत ज़्यादा वक्त लगता था, अभी मंत्री जी कह रहे थे, अब टाइम सड़क बनने का भी बहुत कम हो गया है, ये एफिशिएंसी की बात है। राजस्थान में चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, ODR MER जो भी हो, चाहे गाँव की सड़कें हो, CRF का फंड हो, चाहे PMJSY का फंड हो, स्टेट फंडिंग हो, सरकार ने जिस पर मोबिलाइज किया है उसके कारण से मैं कह सकता हूँ कि सभी क्षेत्रों में, सभी गांवों में, कस्बों में, शहरों में सड़कें एक साथ बनने शुरू हुए। इसीलिए हम कह सकते हैं 1,40,000 किलोमीटर सड़कें इन 5 साल के अंदर बनाई जा रही है, जिसमें 60,000 से ज़्यादा सड़कें बन चुकी है, ये भी एक रिकॉर्ड है कि बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि वही है। साथ में सड़कें चौड़ाईकरण सुदृढ़ीकरण उनका काम अलग चल रहा है, और एक और जो आप सबको मालूम है कि बजट जब पेश किया गया तो पहली बार हम लोगों ने 2 काम किए, एक तो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, उनको उनके पास बहुत ज़्यादा तंगी रहती है फाइनेंस की, सड़कों का महत्व कितना समझ सकते हैं, PW के माध्यम से उनको 10% या 20% 40% 3 बार अलग अलग तरीके से उनको प्रोविजन किया गया है, जिससे कि बहुत बड़ी राहत उनको मिली है शहरों के अंदर भी सड़कें बनने की, ये भी बहुत बड़ा डिसीजन था उस वक्त में। और एक निर्णय हमने किया कि जो डिस्ट्रिक्ट में की स्थिति अच्छी नहीं है सड़कों की, उसका जिला प्रशासन ने खुद सर्वे करवाया है। एक बार हमने 3 सड़कें एक जिले की ली गई थी, 99 सड़कें हैं, और एक बार 5 सड़कें एक जिले की ली गई थी, करीब 165 सड़कें होती होगी। ये सड़कें हमने जिला प्रशासन से पहले मंगा करके बजट के अंदर ही प्रोविजन कर दिया गया, सड़कें बनने लग गई। तो कहने का मतलब पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से सरकार की प्रायोरिटी रही है सड़कें बनाने की, उसका अपना इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा है, और यही कारण है कि आज बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि राजस्थान टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा डेस्टिनेशन भी है, कई टूरिस्ट गांव की तरफ भी जाते हैं, पर्यटक आते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट हो, उनके रिमार्क भी आते हैं कि राजस्थान में सड़कें अच्छी बनी हुई है।
मैं खुद अभी गया था आदिवासी डूंगरपुर के अंदर, अचानक मुझे गांव में जाना पड़ गया। जो गाड़ी बैठे हुए थे उन सबको आश्चर्य हो रहा था कि गांव की सड़क भी शहरों की सड़क के मुकाबले में है। तो ये गांव तक सड़कें पहुँचना महत्व रखता है। डेल्टा की आबादी का कैडर बनाया गया, या डेजर्ट है या आदिवासी क्षेत्र है, और 500 की आबादी का कैडर बनाया गया। प्रयास रहता है 100 आबादी तक भी सड़कें बन जाए। पहले हमने शुरुआत भी करी थी जमाने के अंदर, हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर भी राजस्थान में सड़कों का जाल पूरे गांव तक बिछे। प्रॉब्लम भी आती है कि जैसे गांव के अंदर मिसिंग लिंक थे, उनके लिए अलग से प्रोविजन किए गए, विधायकगणों को उन्हें पूछ के सड़कें बनाई गई गांवों की, मिसिंग लिंक पूरे किए गए। जैसे एक गांव दूसरे गांव की दूरी जो है बजाय घूम के नहीं जाना पड़े उनको, ये प्रयास भी किए गए। हर छोटी छोटी बात को लेकर के मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर उसका असर है। हम कभी जाते दिल्ली में कहीं जाते हैं, लोग बात करते हैं रास्ते की, सड़कें शानदार सड़कें बनी हुई है। और मेरा मानना है कि यही गति जो है आगे भी बनी रहेगी, और जो आज शिलान्यास होने जा रहे हैं और हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। कहने को बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि 5 साल में हमने जितने काम किए उतने शायद चले कोई नहीं हुए होंगे। कुछ जो मेरे पास आंकड़े बताए गए मुझे, जैसे कि गांव वाले हमारे जुड़े हुए हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बने रहे, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये 25 लाख का बीमा हमने किया है हेल्थ का, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा कर दिया है, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, 2000 यूनिट किसानों के लिए बिजली फ्री करी गई है। यही 15 अगस्त से हम लोग अन्नपूर्णा किट बांटने जा रहे हैं। राशन की दुकान है जो जिनको मिलता है गेहूँ, उन परिवारों को अन्नपूर्णा किट मिलेगा, दालें भी होगी उसके अंदर, शक्कर भी होगी, तेल भी होगा, और 500 रुपये में गैस सिलेंडर। महंगाई के ज़माने के अंदर हमने प्रयास किया है किस प्रकार से उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको 1,150 रुपये देना बहुत भारी पड़ता है, ये भी हमने काम किया है। मनरेगा के अंदर 100 की बजाय 125 दिन की काम मिलने के हमने आदेश जारी किए हैं। स्टेट फंडिंग से पैसा दिया जाएगा बाकी 25 दिनों का। इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना शुरू की गई है, 8 रुपये में रसोई, जो इंदिरा रसोई बहुत पॉपुलर हो रही है, अभी तक 2-3 करोड़ लोगों ने खाना खा लिया होगा वहाँ पे। अब हम गाँव के अंदर कस्बों में खोलने जा रहे हैं इंदिरा रसोई को, जहाँ ताज़ा खाना मिलता है आपको। गायों की लंबी रोग आ गया, 40,000 रुपये प्रति गाय जो मर गई थी उनको दिया गया खाली के अंदर। आगे काम धंधु स्कीम बना कर योजना बना करके उनका बीमा किया जा रहा है। आपके गाँव के अंदर जो पशु पालक है उनके गाय या भैंस जो भी है उनका बीमा किया जाएगा, प्रत्येक परिवार में 2 पशुओं का किया जाएगा, 40,000 एक का। और तो अंग्रेजी स्कूलें जो खुली है वो बहुत पॉपुलर हो रही है, मुझे खुशी है गांव वालों ने उन स्कूलों को अंग्रेजी को अडॉप्ट किया, समझ गए हैं समय बदल गया है, इंटरनेट DBT होने लग गई है, कंप्यूटर आ गए हैं, मोबाइल हर हाथ में है, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को भी उनका भविष्य जो है उज्ज्वल बने। तो गाँव वालों ने इसका इस प्रकार से वेलकम किया कि आज अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश करने के लिए लॉटरी खोलनी पड़ रही, इतनी भयंकर वहाँ इतनी भारी वहाँ पर तादाद में एप्लीकेशन आ रही है। मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ मांग होगी वहाँ अंग्रेजी स्कूल खोले, पीछे देंगे शीघ्र से देंगे हम लोग। नए कॉलेज खुले, मैं समझता हूँ कि 70 साल में खुले 250 कॉलेज, हमने 4 साल में खोल दिए हैं 315 कॉलेज।